हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग को HCF फाइंड करना है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए इनका हम लोग को HCF फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF फाइंड करते हैं। वैसे तो हम लोग HCF फाइंड करने का 3 तरीका होता है, पहला लिस्टिंग, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा डिवीजन मेथड। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग, चूँकि बुक में हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया होता है हम लोग क्या करते हैं, उन सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे 18 दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर 48 दिया हुआ है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये, तो 9। 3 से कटाएंगे तो 3 या 9। फिर 48 जो है इसको भी हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से करेंगे तो 2 या 4, 4 या 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 या 2, 2 या 4। फिर 2 से करेंगे तो 6। फिर 2 से करेंगे तो 3। तो ये हम लोग का, ये हमारा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ और ये हमारा 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो दोनों को हम लिख देंगे 2 × 3 × 3। तो इसका हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। फिर क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन है, कॉमन, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस यहाँ पर 2 1 बढ़ाया तो 2 का पावर 1, 3 2 बढ़ाया तो 3 का पावर 2 कर दिए। फिर यहाँ पे 2 जो है 4 टाइम्स आया तो इसको 4 कर दिए, और 3 यहाँ पे 1 टाइम आया तो इसको 1 कर दिए। फिर हम लोग HCF निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर 4 भी आया हुआ है इसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, सॉरी 2 भी आया हुआ है, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 3 आया हुआ है, इसमें भी 3 आया हुआ है। इतना देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 का लोएस्ट पावर 1 है। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, तो 3 का लोएस्ट पावर भी 1 है। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 3 का पावर 1 यानी कि 3। इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें देखिए कौन कौन कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग 1, 3 कॉमन दिख रहा है, और ये दोनों का आप मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग पहले क्वेश्चन का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया और कैसे इसका HCF निकालें। फिर अगला नंबर है, इसको भी हम लोग सिंपल से ऐसे ही कर देंगे। सबसे पहले दोनों नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 30 है, 30 का करेंगे हम लोग 2 से, 2 1 या 2 गया उधर 1, 2 5 या 10, 2 से नहीं होगा 3 से, 3 5 या 15। फिर 42 का करेंगे हम लोग, लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 हुआ तो 2 से नहीं जाएगा 3 से, तो 3 7 जा 21। तो दोनों का हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 30 का आया 2 × 3 × 5, और हम लोग का 42 का आ गया 2 × 3 × 7। उसके बाद हम लोग HCF निकालना है, तो देख लेते हैं कौन कॉमन है। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी जो भी नंबर दिया है दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 18 है तो 18 का करते हैं हम लोग, वैसे तो 18 का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3। 18 का हो गया हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3। फिर हम लोग 60 करके करते हैं, 2 से, 2 3 या 6 0, 2 से करेंगे तो 2 1 या 2 गया उधर 1, 10 2 5 या 10। फिर ये 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 5 या 15। फिर इसको भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 60 = 2 × 2 × 3 × 5। फिर इसका हम लोग देख लेंगे कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 कॉमन दिख रहा है, फिर साथ में यहाँ पे हम लोग को 3 भी कॉमन दिख रहा है, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे हम लोग HCF कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 3। तो इसका भी HCF कितना हो गया, इसका भी HCF 6 आ गया। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 27 है तो 27 का करते हैं, तो लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से करते हैं, 3 से चल जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से तो 3 3 जा 9, यानी कि 27 = हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो हम लोग 63 का करेंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से 3 7 जा 21। इसको हम लोग लिख देंगे 3 × 3 × 7। फिर इसका हम लोग HCF बना देंगे, तो जो भी कॉमन होगा, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे ये 3 कॉमन है, यानी कि 3 × 3।
कितना होगा, 3 3 9। तो ये आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जितने भी नंबर दिए उन सारे का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो भी कॉमन होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा कि HCF कितना आएगा। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले सब सारे नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 36 का करेंगे तो 2 2 1 जा 2, बचा 1 उधर, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 9 नहीं जाएगा 2 से, फिर 3 से, 3 3 जा 9। फिर 84 है, 84 का हम लोग करेंगे तो 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 7 जा 21। तो दोनों नंबर का हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। दोनों का हम लोग लिखेंगे, दोनों में कॉमन देख लेंगे। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसमें कॉमन कौन है, तो 2 है, फिर ये 2, फिर ये 3। तो हम लोग का HCF हो जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि इसका HCF हो गया हम लोग का 12। फिर अगला हम लोग करते हैं 34 का 2 1 जा 2 2 7 जा 14, और 17 एक प्राइम नंबर है। तो इसका तो हो गया 34 के इक्वल्स टू 2 इंटू 17। फिर हम लोग करेंगे 1 0 2, लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। फिर 5 और 1 6, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 7 जा 21। तो 1 0 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। इसमें कॉमन है 2 और कॉमन है 17। तो हम लोग का HCF हो जाएगा 2 इंटू 17, यानी कि 17 2 जा 34। तो इसका भी HCF हम लोग आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका हम लोग करते हैं सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 70 है करते हैं, 2 से 35, फिर जाएगा 3 से नहीं होगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35। फिर 105 पे करते हैं हम लोग तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर हम लोग इसको करते हैं 5 से, बचा 7। फिर हम लोग 175 पर करते हैं, फिर ये जो है 7 और 1 8 और 5 13, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, गया 2 उधर, 5 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे लो तो 7, सबका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 70 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर 105 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर हम लोग का 175 का हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन हम लोग को दिख रहा है ये 5 है और साथ में ये 7 है। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हम लोग HCF हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। तो ये इसका HCF आ गया। फिर हम लोग का अगला नंबर है, इसका भी हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 91 का करते हैं हम लोग तो 9 और 1 10, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से, 7 से हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये हो गया हमारा 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 13। फिर हम लोग आगे करते हैं 112 का, तो 112 का करते हैं तो लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, गया उधर 1 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, गया उधर 1 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, यानी कि इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 2 इंटू 7। फिर अगला हम लोग का 49 का करते हैं हम लोग, तो ये 2 से नहीं होगा, नहीं 3 से होगा, नहीं 5 से होगा, 7 से होगा, तो 7 7 जा 49, 7 इंटू 7। हम लोग का HCF हो जाएगा, इसमें कॉमन कौन है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। इसका HCF हो गया हम लोग का 7, और 7 जो है एक ही बार है तीनों में कॉमन, तो इसलिए ये इसका HCF हुआ हम लोग का 7। फिर अगला नंबर, इसका भी हम लोग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 का करेंगे तो 2 9 3 3 जा 9। 54 का करेंगे हम लोग 2 2 2 जा 4
टू सेवन या 14, 3 से करेंगे 3, 9 या 27, 3 से करेंगे 3, 3 या 9, ये T1 का करेंगे हम लोग, तो ये तो 2 से होगा नहीं, तो 3 से 3, 2 या 6, 2 या 3, 7 या 21, 3, 9 या 27, 3, 3 या 9, तो सबका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 54 का देखते हैं हम लोग, तो 54 का हुआ हम लोग का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 का देखते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये सबका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबका कुछ इसमें देखेंगे कौन सा है जो कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन दिख रहा है पहला 3, फिर एक और 3 है जो कि तीनों में है, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा एचसीएफ 3 इंटू 3, जो कि 3 3 या 9। तो ये हम लोग का हो गया इसका एचसीएफ। फिर अगला है, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 या 12, 2 3 या 6। 45 का करेंगे तो 4 5 9, तो 3 1 या 3, 3 5 या 15, 3 5 या 15। फिर 75 का करते हैं हम लोग, 7 और 5 12, 2 से हो जाएगा तो 2 2 या 6, 2 5 या 15। फिर 5 से 5 5 या 25। तो हो गया सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 45 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 इक्वल्स टू 12 6, 2 से किए 3 3 से किए इसको 15, 3 से किए 5। फिर यहाँ पे हम लोग इसको 3 से करेंगे ना, 3 2 या 6, 3 5 या 15, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर देखेंगे कॉमन कौन है, तो कॉमन यहाँ पे हम लोग का है, इसके अंदर हम लोग का कॉमन होगा 2 से किए तो 2 6 या 12, 2 से किए तो 3। फिर इसमें हम लोग किए 3 से तो 3 1 या 3, 3 5 या 15, 3 से किए 3 5 या 15। फिर इसमें किए 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 से किए 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 जो है तीनों में कॉमन है, तो हम लोग का एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो आई होप आपको ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं क्लियर हो गए हैं कैसे हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसके अंदर लगभग 4 6 10 क्वेश्चन दिए थे, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया। जितने भी नंबर दिए सबका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो भी कॉमन था उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाले, तो हम लोग का एचसीएफ मिल गया था। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। और यहाँ पे हम लोग चूंकि 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाला कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.